और चलिए सीधी तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं इंदौर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं। सीएम क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। एक बार सब ताली इसलिए बजाएं कि इन्हें बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने का काम किया। अच्छा ये बताइए राजेश जी कि बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए क्या किया आपने, क्योंकि ये कठिन काम है बच्चों को काम में लगा देना। इसके लिए हमने प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को कोऑर्डिनेटर बनाया है, समितियां बनी हुई है, उसके अंदर छात्र ही उस समिति के सदस्य हैं। हमने और भी उसी माध्यम से हमारे काम चालू होते हैं और हम 2 से 3 दिन में कोई भी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतार लेते हैं, वही हमारा लक्ष्य भी रहता है। अभी भी शुरू में जब हमारा 2016 में संरक्षण चालू हुआ था तो एक बहुत प्रारंभिक स्थिति में हमने स्वच्छता के जो 3 घंटे में 8,700 एप डाउनलोड किए थे, उसमें पालकों की भूमिका थी और बड़े छात्रों की भूमिका थी। बाद में शहर के अंदर 25,000 एप डाउनलोड हुए और उससे जो कहीं पर गंदगी रहती थी उसकी सूचना नगर निगम को जाती थी और वो 12 घंटे के अंदर उसको समस्या को शॉर्ट आउट करते थे। और उस समय स्वच्छता एक के माध्यम से जो जागरूकता फैली थी उसका असर पूरे देवास में बहुत जल्दी दिखा था। नहीं, ये सबके लिए एक सबक है, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं संवाद। लेकिन बच्चों को स्कूल में जाके स्वच्छता से जोड़ देने का आपने पवित्र काम किया है। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में, मुझे पता चला कि आप इको फ्रेंडली गणेश जी भी बनाते हैं आपकी संस्था। जी सर। कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं इनका निर्माण? सर, हमने प्रारंभिक जब इसको शुरू किया था तब बाहर से प्रशिक्षक बुलाए थे। 450 शिक्षकों को हमने विभिन्न विद्यालय के को एक साथ बुलाकर प्रशिक्षण दिया था और उस प्रशिक्षण के माध्यम से फिर स्कूल के स्टाफ को प्रशिक्षण दिया था और वहां से वो विद्यालय तक उतरा था। 28,700 व्यक्तियों ने 28,700 गणेश जी बनाए थे और वो मिट्टी के ऐसी प्रतिमाएं थी जो किसी गार्डन में अपने घर के गमले में उसे आप विसर्जित ठंडा कर सकते हैं। और ये प्रेरणा भी हमने जब बच्चों से बात की थी तो उसके लिए हमारी शिप्रा नदी जो है वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी थी, क्योंकि वहाँ पीओपी की मूर्तियां डाली जाती थी और वही पानी हम पीते हैं। जब ये बात बच्चों के हृदय उतरी थी तो आज 4 साल होने वाले, 3 से 4 साल अब पीओपी की मूर्तियां देवास में बिकना बंद हो गई है लगभग, और सभी घरों पर अपने हाथ से बनी हुई मूर्तियां लोग स्थापित करते हैं और उनको अभी देखिए जो पानी हम नदियों का पीते हैं उनमें अगर ऐसी मूर्ति जाए भगवान की भी जो पेयजल को शुद्ध ना रहने दे तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। इसलिए इको फ्रेंडली मूर्तियां अगर बनती है तो पर्यावरण के लिए, नदियों की स्वच्छता के लिए वो बहुत आवश्यक और उपयोगी होती है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप भी एक बार ताली बजा के स्वागत करें और अब आगे बढ़ते हैं अगले शहर। सर, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षक निर्मित हो गए अब कि अगर प्रदेश में कहीं भी कोई जाएंगे तो मूर्ति मात्र 5 मिनट में निर्मित हो सकती है। इस प्रकार के कुशल शिक्षक हमारे पास देवास में मौजूद है। चलिए आपको धन्यवाद। आप शिक्षण देने का भी काम करेंगे। सभी नगरीय निकायों के प्रतिनिधि या तो यहाँ बैठे या वर्चुअली मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जरूरत होगी वहाँ जरूर आपको आमंत्रित करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मुंदी से जुड़ा हुआ है नगर परिषद मुंदी, हरकचंद गौहर जी और श्रीमती रमाबाई, ये सफाई मित्र जी, और स्वच्छता का जो काम प्रारंभिक प्राथमिक रूप से करते हैं वो हमारे स्वच्छता के काम में लगे कर्मचारी साथी सफाई मित्र करते हैं, तो स्वच्छता के इस अभियान के लिए सफाई मित्रों का तालियां बजा के पूरे प्रदेश में स्वागत कीजिए। हरकचंद जी जी, परिवार में कौन कौन है आपके?
मेरे परिवार में मिसेस शांत हो गई सर, दो लड़के हैं, दो लड़की हैं। अच्छा, क्या कोई बीमारी थी या अचानक चली गई? जी बीमारी थी, हो गई थी। चल भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, नारायण सिंह जी विधायक जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे क्या? कब से नगर परिषद मोदी में आपकी नियुक्ति हुई? जी मेरे को कम से कम 20-22 साल हो गए। 20-22 साल से? जी। अच्छा, आपको वेतन के अलावा और किसी शासकीय सेवा का लाभ, शासकीय योजना का लाभ मिला क्या? जी शासकीय योजना का लाभ समग्र योजना का मिलता है। अच्छा, समग्र योजना का। और आयुष्मान कार्ड का भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड बन गया आपका? जी बन गया है। अच्छा, कितने बजे से काम शुरू करते हैं आप? जी हम 6 बजे बिल्कुल अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं। 6 बजे ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं? जी सर्दी के दिनों में, 6 बजे सर्दी के दिनों में तो 7 बज जाते होंगे। जी सूटर वगैरह सब नगर पंचायत ने बिल्कुल वितरण कराई है हमको, वर्दी वगैरह सब दे रखी है। अच्छा ये बताओ, आप नियमित रूप से वेतन मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं कि सफाई करवाते रहते? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी, सब मिलता है। सही बताया, कहीं अफसरों ने तो नहीं किया? नहीं जी, हमारे सीएमओ साहब जो है वो सब बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। अच्छा आपका ध्यान रखते हैं, चलिए आप सफाई का ध्यान रख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ क्या रमा भाई है? हाँ जी रमा भाई है। रमा भाई कब से काम कर रही हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, मैं मुंडी से रमा जी बोल रही हूँ। रमा जी आप भाई प्रणाम, कब से नगर परिषद में काम कर रही हैं आप? मैं 10 साल से। 10 साल से? अच्छा, जब आप सफाई के काम के लिए निकलती हैं और लोगों से ये आग्रह करते होंगे कि गीला कचरा अलग करो, सूखा कचरा अलग करो, यहाँ मत डालो, तो उस पर नाराज तो नहीं होते कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सबका सहयोग मिलता है। उनको प्यार से समझाते हैं, ऐसा मतलब चिल्लाते नहीं है, प्यार से समझाएंगे, बरोबर समझते हैं, निकालते हैं कचरा, अलग रखते हैं। देखिए रमा भाई ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, चिल्लाते नहीं है, गुस्सा नहीं होते, चिड़चिड़ाते नहीं है, प्यार से समझाते हैं। प्यार बांटते रहो तो लोग समझ जाते हैं, ढंग से अगर समझाते हैं तो लोग समझ जाते हैं, ये रमा भाई का संदेश है। अच्छा रमा भाई, बार बार ये स्वच्छता आप कहने लगे कि गार्बेज मुक्त शहर करो, तो इससे आपको गुस्सा तो नहीं आता कभी कि कहां सरकार लगी रहती है? नहीं 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 नहीं, हमारा शहर अच्छा रहेगा तो हम अच्छे रहेंगे। हमारा शहर अच्छा रहेगा तो हम अच्छा रहेंगे, तालियां बजाइए। देखिए ये बहुत साधारण बात नहीं है, एक लाइन के ही रमा भाई ने, और ये हमारे लिए सीख है, हमारा शहर अच्छा रहेगा तो हम अच्छा रहेंगे, क्योंकि हम भी उसी शहर में निवास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद रमा भाई आपको, मुंदी को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत मुंदी की पूरी टीम को शुभकामनाएं। और अब हम संवाद करेंगे सागर जिले से सनराइज टाउनशिप, एक रहवासी संघ जिसने नगर में स्वच्छता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जुड़ेंगे सागर जिले से सनराइज टाउनशिप। तो हमारे साथ प्रकाश चौबे जी जुड़े हैं क्या? प्रकाश जी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। प्रणाम सर। प्रणाम आपको भी, और आपके साथ सांसद जी भी विराजमान है, उनको भी मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी प्रणाम प्रणाम करता हूँ। ठीक है प्रकाश जी, स्वच्छता के काम से आप कब से जुड़े हुए हैं? आप संस्था की सनराइज टाउनशिप जो टाउनशिप है जी सर, जब से आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और आपके मार्गदर्शन में ये सफाई का एक मिशन चालू हुआ है, तभी से हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। और हमारा कंसेप्ट ये है कि यदि हम कचरे को उत्पादन ही ना करें, तो इसलिए हम लोग जीरो वेस्ट इवेंट चालू किए हुए हैं कि जब कचरा उत्पादन ही नहीं होगा तो इस पर भी हम लोगों को बहुत ज्यादा
राहत होगी। जरा ये समझाइए, ये जीरो वेस्ट इवेंट क्या है, कैसा करते हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में लोग इसको समझना चाहते हैं, संक्षिप्त समझाइए। सर जी संक्षिप्त में, सर हमारी जो सोसाइटी है इसमें कम से कम जैसे दुर्गा पूजन है, गणेश पूजन है, होली है, दिवाली है, इसमें सभी का सहभोज होता है, एक साथ लगभग 500-700 लोगों का भोजन होता है, और इसमें यदि हम सामान्य रूप से भोज करते हैं तो बहुत अधिक डिस्पोजल का उपयोग होता है। हम लोग स्वयं का बर्तन बैंक बनाए हुए हैं और सारे बर्तन कॉलोनी के लोगों उपयोग करते हैं, और इस तरीके से ना चम्मच ना गिलास किसी भी प्रकार का हम लोग डिस्पोजल नहीं बनाते, और जो हमारा यदि खाना भी फूड भी हमारा वेस्ट होता है तो हम लोग यहाँ पे नाडेप बनाए हुए हैं, और नाडेप में इस सारे कचरे को वहाँ पे करते हैं। इस तरीके से हमारा बिल्कुल जीरो वेस्ट इवेंट हम लोग तैयार करते हैं और सभी लोगों को इसके लिए प्रेरणा भी देते हैं। तो नाडेप आपने अपनी कॉलोनी में टाउनशिप में ही बना रखा है? जी सर, दो नाडेप बनाए हुए हैं हम लोगों ने, और वहाँ पे हमारा जो गीला कचरा है उसके लिए हम लोग वहाँ प्रोसेस करते हैं, और बहुत जल्दी हम लोग एक वहाँ पे एक कंपोस्टर मशीन भी ले रहे हैं, कंपोस्टिंग मशीन भी लगा रहे हैं, जिससे 10-15 दिन में ही हमारी ये खाद उपलब्ध होगी। अभी लगभग 2-3 महीने में हमको खाद मिल जाती है। अभी आम के आम और गुठलियों के दाम, नाडेप से इनको खाद भी मिल जाती है, और जीरो वेस्ट के कॉन्सेप्ट को भी ये पूरा कर पाते हैं। सागर के इस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूं, और सनराइज टाउनशिप के सभी भाई और बहन जो वहां बैठे हुए हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप भी तालियां बजा के स्वागत करें, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं हमारे चिंतक, विचारक व प्रेरक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने प्रेरणा वचनों के लिए आमंत्रित करूंगी। मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे खुरई में उपस्थित नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री भाई ओपीएस भदौरिया जी, इंदौर के यशस्वी सांसद आदरणीय शंकर ललवानी जी, यहाँ की पूर्व मेयर और वरिष्ठ विधायक आदरणीय भाभी श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय बाबा महेंद्र हार्डिया जी, भाई देवेंद्र वर्मा जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, युवा विधायक हमारे भाई आकाश विजय वर्गीय जी, मनीष सिंह जी, हमारे झा साहब जो वहां से पधारे हुए हैं दिल्ली से, निकुंज जी, नीचे विराजमान आजी कली जिनकी नियुक्ति इंदौर विकास प्राधिकरण के लिए हुए हैं, हमारे बीच में विराजमान है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो आज तो मंच पे आ जाओ, अरे आ जाओ, जाओ एक कुर्सी। चावड़ा जी हमारे अब तो नगर से ही जुड़ गए आप, अब संगठन मंत्री थोड़ी रहे हो जो शर्मा के पीछे बैठे, अब फ्रंट लाइन में आ जाओ आप। अलग अलग नगरी निकायों के उपस्थित हमारे सभी यहां बैठे और अपने अपने शहर में उपस्थित मेरे सभी आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पूर्व मेयर, पूर्व नगरपालिका, नगर पंचायत के अध्यक्षगण, नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों के सभी अधिकारीगण और मेरे नागरिक बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश को यह अद्भुत गौरव मिला है, और विशेषकर इंदौर आज केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांचवी बार हिंदुस्तान में स्वच्छता में पहले नंबर पे इंदौर आया है। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहूंगा जोरदार ताली बजा के इंदौर और इंदौरियों का स्वागत करें, और मुझे पक्का विश्वास है
कि छठवीं बार भी बाउंड्री लाइन के पार जमीन से नहीं आसमान से क्या मारेगा इंदौर? अरे जोर से बताओ, क्या मारेगा? छक्का मारेगा। अभी तो अभी नहीं बहन, कार्यक्रम चल रहा है अभी, बीच में हाथ मत उठाओ। छक्का मारेगा इंदौर, क्योंकि स्वच्छता को इंदौर ने कार्यक्रम नहीं समझा, इंदौर ने स्वच्छता को इंदौर की जनता ने दिल से अपनाया है। स्वच्छता इंदौर की जनता के स्वभाव में है, भावनाओं में है, विचारों में है, कर्मों में है, और ये हम सबके लिए प्रेरणा है, पूरे देश के लिए प्रेरणा है। गर्व से भरा हुआ आज मध्य प्रदेश इंदौर की जनता को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। अद्भुत है ये उपलब्धि। और इंदौर में पहले यह कार्यक्रम भोपाल में हो रहा था, मैंने कहा कि भोपाल में नहीं होगा, यह कार्यक्रम का सही अधिकारी अगर कोई है तो इंदौर ही है, इसलिए पहले भोपाल में तय हुआ था। अब भोपाल को अगर भोपाल में कार्यक्रम करवाना तो इंदौर का मुकाबला करे भाई, यह चुनौती भी है, प्रतिस्पर्धा तगड़ी करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आज सबको इंदौर बुलाएं, आप सब इंदौर आए तो ऐसे मत जाना। मेरा आग्रह विभाग से भी, इंदौर के हमारे कलेक्टर, हमारे कमिश्नर, नगर निगम की कमिश्नर और बाकी टीम से, कि आप कोशिश करें कि इंदौर में आपने कैसे काम किया है ये देखना चाहें तो आप इन सबको इंदौर घुमाएं और दिखाएं, इसलिए मैंने इंदौर बुलाया है आप। अरे ताली बजाना तो जोर से बजाओ, अपने ही प्रदेश, अपने ही कार्यक्रम, क्योंकि जहां अच्छा काम हो वहां से सबक, प्रेरणा और शिक्षा हमको लेनी चाहिए, सचमुच में हमें सीखना चाहिए। दुनिया के कई देशों से लोग इंदौर आ रहे हैं, भारत के प्रदेशों की टीम तो इंदौर आती रहती है। स्वच्छता सीखना है तो इंदौर से सीखो, इसलिए आज जो आए हैं उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो मैं भोपाल सहित, उज्जैन सहित, खंडवा देवास सहित, अब सब नाम इसलिए नहीं ले रहा कि सबको मंच पर सम्मानित किया है, जिन्होंने स्वच्छता में अच्छा स्थान प्राप्त किया उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सब ताली बजा के सबका अभिनंदन करें, स्वागत करें, एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं हम। लेकिन यही हमारा काम खत्म नहीं होता, मध्य प्रदेश अभी तीसरे नंबर पर है स्वच्छता में। मुझे बताओ ये थर्ड नंबर पर रहना अच्छा लगता है क्या? अरे बताओ ना जोर से, एक स्वर से बताओ, अच्छा लगता है क्या? तो मध्य प्रदेश को कौन से नंबर पे आना चाहिए? जोर से बताओ, कौन से नंबर पे आना चाहिए? और फर्स्ट पे तब आएगा जब आप सब लोग मिलके काम करोगे। बोलिए करेंगे सब काम, जोर से बताएं करेंगे। पूरा प्रदेश आज सुन रहा है, वर्चुअली जुड़ा हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता को आप एक चुनौती के रूप में, चुनौती मतलब स्वच्छ करके दिखाना है। प्रधानमंत्री जी का सपना देखिए, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है हिंदुस्तान में। एक व्यक्ति अगर ठान ले तो पूरे देश की सोच बदल जाती है। एक अटल जी ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में ऐसा रोशन किया कि आज तक हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अटल जी अद्भुत नेता, जिनका आज जन्मदिन है। भारत के मान सम्मान, गौरव और स्वाभिमान को पूरी दुनिया में स्थापित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, सुशासन की नई मिसाल स्थापित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया के कूटनीतिक मंच पर जब भारत का प्रतिनिधित्व भेजने के लिए किसी नेता की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की सरकार ने भी तय किया कि अगर कोई भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके करेगा तो उनका नाम होगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनके चरणों में हम नमन करते हैं।
एक अटल जी और एक मोदी जी। मोदी जी ने तय कर लिया कि स्वच्छता, हम लोगों के स्वभाव में स्वच्छता नहीं थी, ईमानदारी से बताओ, चलते फिरते केला खाया छिलका फेंका, पान खाया और पिच से किसी भी दीवार के कोने में थूक दिया, दफ्तरों में जाते थे तो पता चला कि कोने रंगे रहते थे पान की पीक से, कई जगह चूना लगा रहता था भोपाल जैसे शहरों में। हमारे दिमाग में ही नहीं रहता था कि हम कोई गलत कर रहे हैं, अपना घर साफ किया पटक दिया बाहर, ले जाके बाहर में जाए मुझे क्या करना। ये स्थिति थी 2014 तक आप देखो। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए, क्या स्थिति अपने देश की रहती थी, विदेशों से लोग आते थे और जब गंदगी का ढेर देखते थे तो भारत की क्या छवि बनती थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का संकल्प लिया और पूरे हिंदुस्तान का सोच बदल दिया। आज इंदौर में बताओ कोई कचरा फेंकता है कहीं, कागज का टुकड़ा और बाकी चीजों मैंने देखा है कि लपेट के लोग जेब में धर लेते हैं कि जहां डस्टबिन मिलेगा वहीं डालेंगे। अरे गीला कचरा सूखा कचरा कौन अलग करता था पहले, कोई समझते थे? अपना सड़ा सड़ाया बाहर फेंका और छुट्टी पाई। लेकिन सोच बदल गई है, इस सोच को और आगे ले जाना है और इसलिए सभी हमारे कितने 407-8 कितने अपने हो गए 407, इन सबको सभी नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को जो पहले थे आगे बनेंगे, सभी हमारे कर्मचारी अधिकारियों को, प्रदेश की जनता को मैं अपील करता हूं कि हमारा शहर सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ कैसा बने इसमें कोई कसर मत छोड़ना, कोई कसर मत छोड़ना। हम जैसा सोचते और करते हैं वैसे बन जाते हैं और शहर को भी वैसा बना देते हैं, ये इंदौर ने बता दिया है, आप सबने भी बताया। छोटे छोटे शहरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, छोटे छोटे शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है, अब उसके और आगे हमको बढ़ना है। अभी जब झा साहब बोल रहे थे तो गार्बेज फ्री सिटी, अब एक और अब कचरा मुक्त शहर हमारा, जितने भी स्वच्छता के मापदंड हैं सबका पालन करते हुए अपना अपना शहर कैसे प्रथम आए स्वच्छता में, इसका संकल्प हमें लेना है। इसलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं, नहीं तो कार्यक्रम की जरूरत क्या थी। और एक बात और आज निवेदन मैं करना चाहता हूं, हर एक शहर का अपना एक इतिहास होता है, परंपराएं होती है, जीवन मूल्य होते हैं, विशेष विशिष्ट व्यक्तित्व होते हैं।